तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर जो है क्या है वो बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर का जो मेन पर्पज होता है वो रिप्रोडक्शन ही है, रिप्रोडक्शन के लिए ही ये पार्ट डेवलप होता है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं फ्लावर में, जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें फ्लावर के बेसिकली जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें स्टेमेन है, पिस्टिल है, सेपल्स हैं और पेटल्स हैं, ये इसके मेन पार्ट्स हैं। तो इसमें आपका जो स्टेमेन है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट से। इसके बाद जो आपका पिस्टिल है वो थ्री पार्ट से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये ऊपर का पोर्शन स्टिग्मा है, ये स्टाइल लंबी सी होती है, और ये नीचे का पोर्शन ओवरी होता है। इसी तरह एंथर में, यानी कि स्टेमेन में दो पार्ट होगा, ये वाला पोर्शन एंथर होता है और ये फिलामेंट जिससे ये थैलेमस से अटैच होता है। तो ये इस तरह से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए इनके। तो स्टेमेन क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि पिस्टिल क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इसमें पार्ट है वो पेटल्स है, जो कलर्ड होता है चारों तरफ फ्लावर के कलर्ड, जिस जो कि सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो होता है आपका पेटल्स। और जो ग्रीन होते हैं नीचे, उसके बाहर सबसे बाहर की तरफ होते हैं सेपल्स। तो इस तरह से इसके फोर पार्ट हो गए। तो फोर पार्ट में टू रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए और टू नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। तो फोर पार्ट होते हैं इसके, जिसमें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पिस्टिल और स्टेमेन, ये दो हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, जबकि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो सेपल्स और पेटल्स होते हैं। सेपल्स सबसे बाहर ग्रीन वाला पोर्शन होता है और पेटल्स जो कलर्ड हम लोग फ्लावर में देखते हैं उसको हम लोग पेटल्स कहते हैं। तो इस तरह से सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन एंड पिस्टिल, बाहर से अंदर की तरफ अगर हम चलें तो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन एंड पिस्टिल, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं स्टेमेन और पिस्टिल, उसके अंदर क्या होते हैं, जर्म सेल, वही जर्म सेल जिनमें कि मियोसिस होकर के या डिवीजन होकर के मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, मेल या फीमेल हो, यानी स्टेमेन या पिस्टिल हो, जबकि अगर दोनों मौजूद हों तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों उसमें मेल और फीमेल, स्टेमेन और पिस्टिल दोनों मौजूद हों तब उसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेज पॉलन ग्रेन्स। अभी जो स्टेमेन है आपका, इसमें जो एंथर है पोर्शन, इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर येलोइश इन कलर होते हैं, मोस्टली जो होता है वो येलोइश इन कलर होता है। और बहुत सारे प्लांट्स में आपने देखा होगा कि अगर उसके एंथर को आप स्क्वीज कर दीजिए तो उसमें से बहुत महीन महीन पाउडरी टाइप के आपको मिलेंगे। पिस्टिल जो होती है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये पिस्टिल है, ये बिल्कुल फ्लावर के सेंटर में होता है। अगर ऐसे वर्ल्ड में फ्लावर है तो बिल्कुल मिड में ये होगा, ठीक है। इसके अलावा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके तीन पार्ट आप समझ गए होंगे। सबसे नीचे जो स्वालन पोर्शन है ये वाला, यहाँ इतना ये पोर्शन जो है ये ओवरी है, ये नेक लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल है, और सब टिप जो है इसका वो स्टिग्मा है, और ये स्टिकी भी होता है, ये थोड़ा सा स्टिकी होता है क्योंकि इसके ऊपर पॉलिन आके स्टिक होते हैं, चिपकते हैं। तो ओवरी के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो इस तरह से आप ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर ऐसे देख रहे हैं ये ओव्यूल है, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर इसमें फीमेल गैमेटोफाइट या इसमें न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एक सेल होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो एक सेल होती है वो फीमेल गैमेट है। तो मेल जर्म सेल प्रोड्यूसेज, मेल जर्म सेल क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स, है ना, और फीमेल क्या करती है, ओव्यूल होता है। तो यहाँ पे आप पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ओव्यूल का पोर्शन है, ये पूरा ओव्यूल है, ओवरी के अंदर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है ओव्यूल, ये ग्रीन पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर के पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी के अंदर, यहाँ थैलेमस है उसके ऊपर ये रहता है बेस के ऊपर, और इसके अंदर ये जो टिश्यूज हैं इनको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर ये जो आप रेट से देखना है ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है ये, ठीक है।
तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल होती है, एक सेल के साथ साथ उसकी टू हेल्पर सेल सिनर्जिड्स होते हैं, इसके अलावा इसमें थ्री एंटीपोडल सेल्स होते हैं, इसके अलावा बीच में यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। अब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होती है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर टू न्यूक्लियस आते हैं, टू मेल गैमीट आते हैं, टू मेल गैमीट आते हैं, उसमें से ये दोनों मेल गैमीट यहाँ पे एंट्री करते हैं, ये पूरी ट्यूब अंदर को एंट्री करती है, ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल से एंट्री करती है। तो एंट्री करने के बाद क्या होगा, ये जो मेल गैमीट है वो यहाँ पे जो इनके अंदर मेल गैमीट है इस ट्यूब के अंदर वो रिलीज हो जाएंगे। तो रिलीज होंगे तो एक मेल गैमीट फ्यूज होगा इस एक सेल से और दूसरा मेल गैमीट और अंदर चला जाएगा, वो किससे फ्यूज होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो एक सेल से जो फ्यूज होगा वो क्या फॉर्मेशन करेगा, एक सेल से मेल गैमीट फ्यूज होकर के जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ये एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है ये प्लस न्यूक्लियर मेल गैमीट है ना, एक मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज होगा, ये क्या बनाएगा, जायगोट। और दूसरा वाला जो यहाँ पे देखिए, एक मेल गैमीट ये है, एक मेल गैमीट ये है, एक मेल गैमीट इससे फ्यूज होगा, दूसरा वाला मेल गैमीट इससे फ्यूज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस पॉलन ट्यूब के अंदर टू मेल गैमीट होते हैं जो कि एक इस एक सेल से फ्यूज होकर जायगोट बनाएगा, और यही जायगोट बाद में किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, और दूसरा वाला मिलेगा इससे। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जो बाद में एंडोस्पर्म में चेंज होता है। तो इस तरह से इसमें ये कह सकते हैं कि ये वाली जो सेल है एक सेल, ये एम्ब्रियो में चेंज होती है, जबकि ये वाला जो सेल है वो किसमें चेंज होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बाद में एंडोस्पर्म को डेवलप करता है। तो आप बीच के अंदर जानते हैं एम्ब्रियो भी होता है, एंडोस्पर्म भी होता है किसी भी सीड के अंदर। अब ये जो ओव्यूल है, बाहर वाला पोर्शन है, ये सीड में चेंज हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है, और इसी को हम लोग सीड बोलते हैं, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। और इसका क्या होगा, जो बाहर कवरिंग है, ये जो ओवरी है किसमें चेंज हो जाएगी, ये ओवरी चेंज हो जाएगी फ्रूट में, ठीक है, और ओवरी के जो डिफरेंट वॉल हैं वो फ्रूट की डिफरेंट वॉल्स बनाती हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जाइगोट बनेगा, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये एक सेल है, एक सेल का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होकर के क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये किस चीज़ में डेवलप होगा, जाइगोट डेवलप इंटू एम्ब्रियो, और इसी एम्ब्रियो से बाद में आगे चल के जब सीड ये जर्मिनेट होगा तो पूरा प्लांट का रूट एंड स्टेम इसी से रिलीज होगा, निकलेगा रेडिकल और प्रिम्यूल के फॉर्म में निकलेगा। और ये जो दूसरा वाला न्यूक्लियस है ये किस में चेंज होगा, एंडोस्पर्म में, वही एंडोस्पर्म जो इसके न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होता है जर्मिनेशन के टाइम पे या जर्मिनेशन के बाद। अब ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो वॉल्स हैं, सब क्या क्या बनाएंगी, ये सीड बना लेगी पूरा, ये पूरा ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा, और ये फ्रूट काहे में चेंज होगा, ये ओवरी चेंज हो जाएगी फ्रूट में, और इसकी जो डिफरेंट वॉल हैं वो फ्रूट की वॉल होंगी, इनकी जो डिफरेंट वॉल होंगी वो सीड की वॉल बनाएंगी, और ये जो है आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो इस तरह से पूरा ये डेवलपमेंट होता है।